नाम अंजनी है और आप देख रहे हैं ऋषि मीमांसा समाचार। देश में चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। दोपहर तक के नतीजों के बारे में, देश की कुछ भी वीआईपी सीटों के नतीजों के बारे में हम आपको बताएंगे कि वहां पे क्या रुझान चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। हम सबसे पहले बात करते हैं वीवीआईपी सीट यानी कि अमेठी की। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी उनसे लगभग 4,500 वोटों से आगे चल रही हैं। राहुल गांधी लगभग 45.34% वोट पा चुके हैं, जबकि उनसे ज़्यादा 47.88% यानी कि 70,000 वोटों के साथ इस समय स्मृति ईरानी जो है अपना दबदबा कायम की हुई हैं। वहीं बगल रायबरेली से चुनाव लड़ रही उनकी राहुल गांधी की माँ यानी कि सोनिया गांधी लगभग 1.5 लाख वोटों से भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से आगे चल रही हैं। लगभग 55.34% वोट वो प्राप्त की हैं। तो वहीं उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह 39.25% वोटों के साथ वो अपने को मैदान में बनाए रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं 38 लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर यानी कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशी सोनू सिंह और उनके आगे केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी। मेनका गांधी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 45.46% और सोनू सिंह का 45.27%, यानी कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और लगभग 1,000 वोटों से मेनका गांधी उनसे आगे चल रही हैं। कभी मेनका गांधी आगे हो रही हैं तो कभी सोनू सिंह आगे हो रहे हैं। लगभग वोटिंग का ये सिलसिला चल रहा है, वोट मतगणना का। और आप हमसे नतीजों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऋषि मीमांसा समाचार से, और फेसबुक पे हमारे पेज ऋषि मीमांसा समाचार को लाइक करिए और उसे देखते रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचता है।